गौठान पहुंच कार्यक्रम के तहत जिले के गौठानों में कार्यरत महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से चर्चा कर कार्यों की जानकारी लेने के साथ ही गौठान में हो रही गतिविधियों का निरीक्षण करने पहुंचे दुर्ग संभाग आयुक्त। जिले के गौठान की व्यवस्था देखने के लिए नोडल अधिकारी गौठानों का भ्रमण कर रहे हैं। इसी कड़ी में राज्य शासन के निर्देश के अनुसार दुर्ग जिले के गौठान में होने वाली गतिविधियों को देखने के लिए दुर्ग संभाग आयुक्त श्री महादेव कावरे ने विभिन्न ग्राम पंचायतों का भ्रमण कर गौठान की जमीनी हकीकत को देखा। उन्होंने रिसामा एवं मतवारी गौठान में पशुधन के लिए उपलब्ध सुविधाओं का अवलोकन करते हुए कार्यरत महिला स्व सहायता समूह एवं ग्राम गौठान समिति के सदस्यों से उनके कार्यों की जानकारियां ली। इस दौरान गोबर खरीदी तथा खाद निर्माण की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हुए गौठान को आजीविका केंद्र के रूप में सतत आगे बढ़ाने हेतु अनेक सुझाव भी दिए। वहीं श्री कावरे ने गौठान के सभी गतिविधियों का निरीक्षण करते हुए समूह के सदस्यों से कहा कि वे अपने आय व्यय की जानकारी रजिस्टर में दर्ज करें, गौठान में उपलब्ध स्थानों का बेहतर उपयोग करते हुए आजीविका के नए साधन विकसित करें। रिसामा गौठान में लक्ष्मी महिला स्व सहायता समूह, शीतला महिला स्व सहायता समूह, श्री श्री महिला स्व सहायता समूह की दीदियों से वर्मी खाद उत्पादन की चर्चा भी यहाँ पर की गई। उनके द्वारा बताया गया कि विगत वर्ष कुल 606 क्विंटल खाद का निर्माण किया गया था, जिसको विक्रय कर तीनों समूह कुल 1.25 लाख रुपए से अधिक की आमदनी अर्जित की। इस पर संभाग आयुक्त ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए महिलाओं का उत्साह वर्धन किया। साथ ही महिला समूह द्वारा तैयार की गई बाड़ी को देखकर संभाग आयुक्त ने ऐसे अन्य आजीविका संवर्धन के कार्य को करने हेतु सुझाव दिए और शुभकामनाएं भी दी। वह निरीक्षण के दौरान मतवारी गौठान में वर्मी खाद, मुर्गी पालन और मछली पालन के कार्य को देखा। निरीक्षण के समय संयुक्त संचालक कृषि श्री आर के राठौर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत दुर्ग श्री शैलेश भगत, ADEO श्री मनोज दिवांगन सहित महिला समूह के सदस्य, ग्राम गौठान समिति के सदस्य, विभिन्न विभाग के मैदानी अमले उपस्थित रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।